हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और आज है नवमी का दिन, तो माता रानी आपकी सभी कामना पूरी करे ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मुझे भी आज नवमी पूजनी है, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी का पूजन होता है। तो नवमी पूजने के लिए वो खाना तो बनाना ही है, क्योंकि कन्या का पूजन होना है। तो सुबह उठी थी मैं 5 बजे, और 5 बजे उठ के वही अपने घर का रोज़ वाला काम निपटा के नहा धो के आ गई अब सीधा किचन में। अभी बच्चे सो रहे हैं, अब उठने के नंबर लगाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने उनका 6 बजे का अलार्म लगा रखा है, तो 6 बजे उठेंगे। और देखिए बच्चे उठने भी लग गए हैं, और साहब मांग रहे हैं चाय, बीच बीच में बार बार कह रहे हैं चाय मिलेगी चाय मिलेगी। तो अब मैंने बीच में ब्रेक लिया और पहले उनको चाय बना के दी है, बाद में मैंने हलवा बनने रखा है। और ये उस वाली कढ़ाई में जो छोटी कढ़ाई है सिल्वर की, वो ही हाथ पड़ती है मेरे, रोज़ उसी में ही काम करते हैं तो रोज़ वही हाथ पड़ जाती है। और उसमें सूजी भुनी नहीं पा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बड़ी वाली कढ़ाई निकाली। और ये चने वगैरह उबाले थे तो उसमें पानी डाला था, तो पानी भी ख़त्म हो गया जग में। तो अब रुक के जाऊँगी, पहले पानी लेके आना है, क्योंकि बच्चे नहाए नहीं हैं, तो उनसे ऐसा काम कराऊँगी नहीं। जब नहा धो लेंगे तब पूजा पाठ की चीज़ों पर हाथ लगाएंगे, तो मैं ही करती रहूँगी धीरे धीरे ये सब काम। तो अब भून लेते हैं सूजी और फिर लेके आते हैं पानी। और ये है गोले का बुरादा, ये गोले का बुरादा हमने इसमें गिर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखिए किचन रही है फैल। अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो पहले इसमें वो वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, चने, जो चने फ्राई करते हैं।
और तरी हो गई हमारी डन। अब इसमें डाल देंगे फोड़ के आलू। और ये नौ देवियों वाली सब्जी है जिसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डलता है, सिंपल तरीके की सब्जी। अब इन आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसमें टमाटर की ग्रेवी में। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये बीच बीच में मोटे आलू आ गए ना, हाथ से फोड़े हैं तो उन्हें भी संके संग करते चल रहे हैं। और देखो पानी डाल दिया है इसमें। और थोड़े से चने मैंने पहले ही बचा के रख लिए थे जब चनों को फ्राई कर रही थी, तो अब उन्हें चनों को भी डाल देंगे। हाथ से थोड़ा सा कुचल लूँगी। सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी हो रही है, तो हाथ से ही सब काम जल्दी जल्दी कर डालो। तो ये हाथ से कुचल गए हैं, अब इसमें डाल दो। और आप लोग कहोगे कुचलना कुचलना कर रही हैं, कुचलना कह लो, दबाना कह लो, मैश करना कह लो, अब अपनी जो मुंह पे आ जाती है वो बोल देते हैं। तो ये हो गई सब्जी डन। थोड़ी सी देर ढक के पका लेंगे। और ये मैंने ऐपन भी बना लिया है, देवी करेंगी तो ऐपन बना लिया है। पहले ही मैंने चावल वगैरह भिगो के रख दिए थे, इन्हें पीस लिए हैं। और यहाँ पे पूड़ियों का आटा भी लगा लिया है, तो आप पूड़ियाँ भी सेकेंगे। और ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे देवी करती हैं, तो हम देवी इस तरह से काटते हैं। तो पहले तो करती थी दीवारों पे, अब दीवारों तो हो नहीं पाती क्योंकि अब टाइल लग गई हैं सब घर में, तो इसलिए फिर मैं ये चार्ट पेपर मंगा लेती हूँ। चार्ट पेपर पे दीवार दीवार की जगह चार्ट पेपर पे काट लेती हूँ देवी को। तो यहाँ पे हमारे ये थापे रखे जाते हैं देवी के। तो मेरी सास तो पहले दीवार पे काढ़ा करती थी, लेकिन अब क्या करें, वो तो पहले चौका लगाती थी, लीपती थी, दीवारों को पुताई करती थी, तब जाके नई कोरी करके तब करती थी ये। लेकिन अब हम लोगों के यहाँ पे तो सब टैल लग गई हैं, तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि टैलों को साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये चार्ट पेपर मंगा लेती हूँ और चार्ट पेपर पे ऐसे करके काट लेती हूँ। तो ये एक गेरू से करेंगी और एक ऐपन से। तो गेरू वाली में गेरू भरा जाएगा अंदर, और ऐपन वाली घी से तैयार होएगी। तो ये ऐपन तैयार कर लिया है मैंने और इनसे काट रही हूँ। Thank you.
परेशान कर दिया। और ये लड़का आएगा, देखो ये इसका नाम श्रेष्ठ है, और ये कैमरे में देख देख के अपने आप को नाच के दिखा रहा है, कह रहा है ताई जी ये क्या है, ताई जी इसमें क्या है। और मुझे भी अब पता लगा है कि ये सब हरकतें कर रहा था और मैं अपने काम में लगी हुई थी, ये मेरे से बोल रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले मिलूंगी अगले टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय माता की एंड बाय बाय। अब मैं करा रही हूँ कन्या भोज और फिर देखना इन बच्चों का मेरे साथ हंसी मजाक, क्योंकि मैं इनकी ताई हूँ और ये सारे मेरे देवर दौरानी के बच्चे हैं। तो देखना आज ये मेरे संग कितना मजाक करेंगे और मैं इनके सारे पैसे छीन लूँगी। तो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या ज़्यादा मेरे नहीं है, सबसे ज्यादा वाणी के हुए हैं, मेरी के।